हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर नए नए वीडियो और कविताएं सुनाते रहते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक कविता आपको मैं समर्पित करूंगा। जैसा कि अभी अभी 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन था, तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर मैं कविता सुनाऊँ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक ऐसी ऐसी कविताएँ पहुँचती रहें। अटल थे, अटल हैं, अटल ही रहेंगे। अटल थे, अटल हैं, अटल ही रहेंगे। न तब डरे थे, न अब डरे हैं, न कल ही डरेंगे। मित्र ही नहीं, शत्रु भी कहेंगे। अटल थे, अटल हैं, अटल ही रहेंगे। राजनीति नहीं, देश हित के लिए लड़ेंगे। पति पक्ष में थे तो क्या हुआ, इंदिरा ने जो किया 71 में, साथ खड़े रहेंगे। आप सभी को ध्यान होगा, 71 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, सब लोग विपक्ष घेरना चाहता था इंदिरा गांधी को, कह रहा था कि ये गरीबी हटाओ नारे के साथ आई और ये कहाँ जाकर फंस गई। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, ये सवाल देश हित का है, देश के सम्मान का है, इसलिए हम आपका विरोध नहीं, आपका साथ करें देंगे। कि अटल थे, अटल हैं, अटल ही रहेंगे। न तब डरे थे, न अब डरे हैं, न कल ही डरेंगे। पिछले 50 वर्षों में जो हुआ थी वो भी कहेंगे। जो कुछ रही कमियाँ, वार उन पर करेंगे। देश के लिए अगर प्रतिपक्ष में रहते हुए जाना पड़ा जिनेवा कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ भारत का पक्ष हम रखेंगे। अटल थे, अटल हैं, अटल ही रहेंगे। मुरारजी देसाई की सरकार थी और बेनजीर भुट्टो जिनेवा कॉन्फ्रेंस में भारत की आलोचना कर रही थी। मुरारजी देसाई बड़े सोच में पड़ गए, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन वाक्पटुता उतनी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा, किसे भेजूँ अपनी पार्टी में? जब उन्हें कोई व्यक्ति नहीं मिला तो अटल जी के पास गए और अटल जी जाकर जिनेवा कॉन्फ्रेंस में भारत का पक्ष रखते हैं और बेनजीर भुट्टो को चुप कराते हैं। और आगे क्या रहा, जब 13 महीने की सरकार रही, अमेरिका चिल्लाता रहा कि कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान तैयारी कर रहा था। और इधर अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, 13 महीने की सत्ता पाकर किया पोखरण में विस्फोट। 13 महीने की सत्ता पाकर किया पोखरण में विस्फोट। चिल्लाता रहा अमेरिका, पर हम क्यों डरेंगे। अटल थे, अटल हैं, अटल ही रहेंगे। न तब डरे थे, न अब डरे हैं, न कल ही डरेंगे। मित्र ही नहीं, शत्रु भी कहेंगे। सबको याद है वो 13 महीने की सरकार एक वोट से गिर गई, लेकिन अटल जी ने अपने कर्म से क्या संदेश दिया कि एक वोट से सत्ता खोकर भी सत्ता का लालच नहीं करेंगे। राजा बनने के लिए खरीद फरोख्त हम नहीं करेंगे। अटल थे, अटल हैं, अटल ही रहेंगे। 5 वर्ष पहले नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट जिनकी सरकार रही और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, 24 पार्टियों की सरकार, संदेश क्या रहा होगा वो पढ़ता हूँ। कि 24 पार्टियों की सरकार बनाकर देश हित में आगे बढ़ेंगे। 24 पार्टियों की सरकार बनाकर देश हित में आगे बढ़ेंगे। विचार अनेक पर देश एक, यह भाव गढ़ेंगे। विचार अनेक पर देश एक, यह भाव गढ़ेंगे। जब कारगिल पर पाकिस्तान ललकारेगा तो मुंह उसका हम तोड़ेंगे। जब गुजरात दंगा होगा तो राजधर्म का संदेश कहेंगे। अटल थे, अटल हैं, अटल ही रहेंगे। न तब डरे थे, न अब डरे हैं, न कल ही डरेंगे।